we always look forward to this event because everyone who's in Star Plus, especially our show, hum sab jo hain saath mein milkar aate hain, and all of us are like really happy every year. We look forward to the Star Parivaar Awards. Obviously, हमारे सारे घर वाले हमारी घर वाले परफॉर्म करने वाली है, मेरी अम्मा परफॉर्म करने वाली है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. और हर बार की तरह सब कुछ यहाँ पे नया है और बहुत कुछ नया है. एक्चुअली आते उन्होंने बहुत डराया हमें, सो या अंदर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है. देखना चाहते हैं कि बहुत सारे नए लोग आए हैं, बहुत सारे शोज आए हैं, सो वांट टू सी कि कौन कैसा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन. Costume, since I love black and I'm never tired of wearing black, so I'm wearing a black simple gown. And इस बार मैंने सोचा कि कुछ वाइट पहनते हैं, कुछ सिंपल सा पहनते हैं. इट्स नॉट सिंपल दो, सो या थोड़ी एंजेलिक वाइट्स मैंने वाइट पहना है विद फेदर, जो मुझे बहुत पसंद है. सो या शी इज स्प्रेडिंग पीस दीस डेज. प्लीज थैंक यू. फिलहाल मैं अभी बस आई हूँ, एक्साइटमेंट ऑब्वियसली जाने के बाद होगी. स्टार परिवार से ज़्यादा, अवार्ड से ज़्यादा आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं वापस से स्टार परिवार का हिस्सा बन चुकी हूँ. एंड इट फील्स सो गुड, इट फील्स लाइक होम. मुझे घर जैसी फीलिंग आती है जब मैं स्टार परिवार का हिस्सा रहती हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत स्टार से की थी और मैं अभी भी स्टार में हूँ. सो आई एम थैंकफुल फॉर स्टार एंड स्टार परिवार. थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड फॉर ऑल द विनर्स, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक हमारा शो नॉमिनेट पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो जब मिलेगा अवार्ड वो बात की बात है. इट इज़ अमेजिंग, इट्स टू गुड. वी लव द फैक्ट दैट सबको हमारा शो पसंद आ रहा है, और ये लोग दोनों जो वहाँ पे दिख रहे हैं एरिक और पाथ, सब लोग इनको बहुत पसंद कर रहे हैं. द लुक ऑफ द शो, द ग्रैंडियर ऑफ द शो, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. टच विट, टच विट. थैंक यू सो मच ऑल माई लवली फैंस एंड व्यूअर्स फॉर लविंग आवर शो. कोमोलिका क्या? हाँ, एरिका बताएगी कोमोलिका के बारे में, तो ज़्यादा पता है मुझे, नहीं पता मेरी आवाज़ ही बैठ गई है. कोमोलिका के बारे में एक्चुअली ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है. अभी हिना है या शायद प्लास्टिक सर्जरी हो के मैं ही कोमोलिका बन जाऊँ, यू नेवर नो. सो आई डोंट नो. और कुछ ठीक है, चलो आई सी यू गाइस, बाय. जी हम बहुत एक्साइटेड हैं. इनफैक्ट हमारा पहली बार है, हम पहली बार हमें फैमिली वेलकम कर रही है, और फर्स्ट टाइम स्टार प्लस. परफॉर्म भी किया? जी हाँ बिल्कुल, हमने परफॉर्म किया, वो भी फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज एक साथ. रोमांटिक ट्रैक ऑल्सो बॉलीवुड ट्रैक, तो काफ़ी मज़ेदार रहा हमारा परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस. हम नॉमिनेट भी हुए, पता नहीं जीतेंगे या नहीं, लेट्स सी. अच्छी फीडबैक्स मिल रहे हैं. डोंट लाफ नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है, लोगों को काफी शो पसंद आया है, क्योंकि अलग है शो फ्रॉम द प्रीवियस सीजन. हाँ बिल्कुल, वही स्टोरी लाइन नहीं है, तो लोग सरप्राइज्ड भी हैं वो सब देखकर, और काफी मजा आ रहा है, काफी ड्रामा है उसमें. सो फैमिली फ्रेंड्स इनफैक्ट इवन द ऑडियंस, बहुत लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. जी हमें इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, अभी तो फिलहाल हम प्रेरणा और अनुराग पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो और प्रेरणा की शादी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं बचती है या नहीं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी. तो आप परफॉर्म करने वाले हैं? बिल्कुल, अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं एक रोमांटिक ट्रैक पर, एंड जिसमें आपको और केमिस्ट्री दिखेगी प्रेरणा और अनुराग की, और ऑल्सो एक बॉलीवुड नंबर जिसमें हम मस्ती कर रहे हैं.